सीतापुर के सिधौली थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर सवार लुटेरों ने महिला शिक्षा मित्र को सम्मोहित कर नकदी मोबाइल व जेवर लूट लिया। दिन दहाड़े हुई इस लूट से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सिधौली देहात संवाददाता राजन भार्गव के पास। तो राजन बताइए कि जिस महिला शिक्षा मित्र से लूट हुई उसके साथ कैसे लूट हुई और वो कहाँ जा रही थी? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें ये महिला शिक्षा मित्र संगीता देवी पत्नी लवलेश कुमार, ये रोजाना की बात अपने स्कूल जा रही थी तो ये पकड़िया चौराहे पर अपने वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दरमियान दो अज्ञात बाइक सवार आते हैं और उनसे रुककर कुछ पता पूछते हैं। इसी दरमियान पीछे बाइक पर बैठा हुआ युवक जो था उसने इनको कुछ सूंघा दिया और ये सम्मोहित हो गई। उसके बाद इनसे जो इनके पास नकदी थी और इनके कान में बाले थे वो ले लिया और उसके लगभग जब वो चले गए हैं दोनों युवक, उसके 5 मिनट बाद इनको होश आया कि मतलब हमारे साथ लूट हो चुकी है। तब ये अपने घर जाते हैं, अपने परिवार वालों को इसकी सूचना देते हैं। तब इनके पति जो हैं लवलेश कुमार वो थाने में लिखित तहरीर देते हैं। और प्रियांशु जी एक बात और जोड़ना चाहेंगे, इससे पहले भी लगभग 1.5 महीने पहले सिधौली में दीपावली के पास में एक ऐसी ही घटना हुई थी एक वृद्ध महिला के साथ, वहां पे लाखों की लूट हुई थी। जी तो राजन एक चीज पूछना चाहेंगे, जो पकरिया चौराहा है जैसा कि आपने बताया सिधौली का जो है वहां पर दिन भर जो है भीड़भाड़ रहती है, तो जब ये अज्ञात जो है लुटेरे महिला को सूंघा कर उनसे लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे तब किसी ने देखा नहीं क्या? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें ये सुबह तड़के की घटना है। सुबह लगभग जो सुबह टहलने के लिए निकलते वही मात्र टहलते वो भी नहीं जानते हैं, ये महिला अपने जो विनीता देवी थी अपने वाहन का इंतजार कर रही थी तो इतना व्यक्ति ध्यान नहीं देता है क्योंकि ये रोजाना की बात खड़ी थी और वो आके पता ही पूछ रहे थे पहले। जी अच्छा राजन, ये जो महिला है ये कहाँ तैनात थी और कहाँ की रहने वाली है सिधौली की? जी इनका विद्यालय का नाम नहीं पता चला है जी, लेकिन ये सिधौली के बाजार मोहल्ले के रहने वाली है और रोजाना की बात पकड़िया चौराहे पे अपने वाहन का इंतजार कर रही थी और अपने स्कूल के जा रही थी। क्या कोई पुलिस को तहरीर दी और जो तहरीर दी है अगर तो उसमें क्या दिखाया है, क्या क्या लूट होना दिखाया है? जी जो पुलिस को तहरीर दी गई है उसमें उन्होंने बताया है कि उनके पास में जो नकदी थी जी लगभग 2000 के आसपास नकदी होगी और उनके कान के बाले और उनका एक मोबाइल फोन जी वो उनसे लेकर वो लोग फरार हो गए। जी तो ये सीतापुर का सिधौली थाना क्षेत्र में जो है पकरिया चौराहा है, वहाँ पे महिला शिक्षा मित्र जो है विनीता पत्नी लवलेश पांडे ये रोज की भात जो है अपने विद्यालय जा रही थी और पकरिया चौराहे पर अपने वाहन का इंतजार कर रही थी जिससे रोजाना आती जाती थी, वो टैक्सी करके जाती थी और वहीं पर जो है दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार आए और उन्हें पहले पीछे जो बैठा व्यक्ति था उसने कुछ सूंघा दिया जिससे वो जो है सम्मोहित हो गई और उनकी जो पर्स में रखी नकदी है, मोबाइल और कान के जो कुंडल हैं सोने के वो जो है उतार कर जो है फरार हो गए। और ये सुबह सुबह तड़के की घटना है। इसके बाद जो है जो महिला ने जो है सिधौली थाने में एक तहरीर भी दी है जिसमें नकदी मोबाइल व जो है कान के कुंडल गायब होना बताया है। तो फिलहाल तड़के हुई घटना से क्षेत्र में हड़कंप है और आपको बता दें कि 1.5 महीने पूर्व जो है इसी तरह का एक मामला आया था, वहां पर महिला के घर पर जाकर सम्मोहित किया था वृद्ध महिला को और उनसे लाखों की जो है लूट कर ली थी, उनके भी सोने के गहने और नकदी समेत लेकर जो है ये लुटेरे फरार हो गए थे। तो सिधौली के क्षेत्र में जो है ये एक तरह से कहा जाएगा ये एक गैंग सक्रिय है और जिसका अभी तक पुलिस खुलासा तक नहीं कर पाई है। तो दिन दहाड़े सुबह सुबह तड़के हुई घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और जो महिला है वो पुलिस से फरियाद लगा रही कि उसकी नकदी मोबाइल और जेवर जो गायब हुआ है उसका जल्द से जल्द बरामद कर उन्हें वापस करें। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए राजा जी, धन्यवाद। क्या हुआ भाई सब बताएं? करीब 8:20 पर हमारी वाइफ रोजाना की तरह शिक्षा मित्र हैं वो रेवा स्कूल पढ़ने जा रही थी, बीमार के 4 कदम आगे दो आदमी आए मोटरसाइकिल से, रुको तो उन्होंने कहा बताओ, फिर उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा टेंटल सुंघा दिया कि उन्होंने अपना बाला बैग में मोबाइल प्लस पैसे दे दिया। थोड़ी देर बाद वो वापस हमारे घर पे आके सारी बात बताई हमसे, ये हुआ सुबह हादसा हो गया पक्के बाजू में हमको लगता हादसा। थाने में सूचना दी? थाने में हमारे मित्र ने सूचना दी तो दरोगा साहब आए थे,
वो नाम पता मोबाइल नंबर ये सब नोट करके ले रहे हैं। प्रार्थना पत्र दे दिया? प्रार्थना पत्र लिखवा रहे हैं, अभी देंगे 10 बजे। आपका क्या नाम है? हमारा, हम उनके पत्नी लवलेश कुमार पांडे। पत्नी जी, पत्नी का नाम है? पत्नी विनीता देवी, शिक्षा मित्र हैं, गांधी विद्यालय रीवा। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी, लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे, 6 नगरपालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला, चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महाकवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया, निकाय की नैया में देखें वोटरों की पसंद, शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल, वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ, कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।